सिलसिला। यादों का सिलसिला। कोई परदेसी अखियों में बस चला। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेखिका और कवियत्री अर्चना जौहरी से। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। हम जादूगर अलबेले बंगाल से आए हैं, जो कभी न देखा तुमने वो जादू लाए हैं। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं अर्चना जौहरी जी, जो लेखिका कवित्री हैं, प्रोग्राम प्रेजेंटर हैं और दूरदर्शन और रेडियो से इनका गहरा नाता रहा है। दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने एंकरिंग की है प्रोग्राम की, और इनके पति हैं राजेश जौहरी जी, जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन वो अपनी गीतकारी, अपनी शायरी के हुनर के साथ हम सब के दिलों में धड़कते हैं और हम सब उनके गीत को जब सुनते हैं। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, भक्ति रचनाएं लिखी, गीत लिखे, गजलें कहीं और शायरी की, और साथ में उन्होंने मंच संचालन भी बहुत सारा किया। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते रहे। दूरदर्शन से, रेडियो से उनका भी गहरा ताल्लुक रहा है। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, फिल्मों के लिए भी गाने लिखे, बहुत सारे विज्ञापन लिखे। तो आज हम अर्चना जी से राजेश जौहरी जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में अर्चना जी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को हम छुएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अर्चना जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुझे भी खुशी हो रही है ममता जी, इतने दिनों बाद विविध भारती में आई हूँ। तो पहले तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें सभी मेरे श्रोता। और हाँ, निसंदेह हम बहुत सारी बातें करेंगे आज। कैसा लग रहा है के बारे में? मेरी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और बहुत उत्साहित हूँ इन बातों के लिए। रेडियो से बड़ा गहरा नाता रहा है, हमने अपने श्रोताओं को बता ही दिया है, और आपसे जब भी हमारी मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है, तो रेडियो जरूर हमारे बीच आता है जी। तो बहुत प्यार है आपको और राजेश जी को भी। तो आप जरा पीछे की ओर, बचपन की ओर जाइए, पुराने दिनों में जाइए। कैसे जुड़ी रेडियो से, कैसे प्यार हुआ रेडियो से? रेडियो से जब हम लेखक होते हैं तो जितने भी प्रसार प्रचार के माध्यम होते हैं हम उधर आकर्षित होते हैं। तो मैं कानपुर में रहती थी और वहाँ पर जो कानपुर आकाशवाणी थी, वहाँ पे तो कोई भी कार्यक्रम बनते नहीं थे, वहाँ से केवल प्रसारित होते थे। कार्यक्रम बनते थे लखनऊ में, तो किसी ने बताया कि लखनऊ जाना है, तो हम जाके लखनऊ में हम लोगों ने वहाँ पर अपना टेस्ट दिया युववाणी के लिए, जो उद्घोषक होते हैं उसमें सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद अपना लेखन शुरू हुआ। तो उसी युववाणी में और दूसरे कार्यक्रमों में शुरुआत मेरी कहानी से हुई थी। तब मैं कविताएं कम लिखती थी और जो लिखती भी थी वो लोगों को दिखाती नहीं थी। अच्छा। तो वो कविताएं बड़ी निजी होती थी। तो खास रिश्ता यूं कहेंगे कि कानपुर से लखनऊ की दूरी कोई एक 17-18 साल की लड़की के लिए या तो ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, और रिकॉर्डिंग होती थी सुबह सुबह 11-12 बजे। तो सुबह सुबह सर्दियों में उठ के हम ट्रेन की तरफ भागते थे या बस से, और फिर वहां से लखनऊ पहुंच के दूसरी बस पकड़ के जाते थे। बर्लिंगटन होटल के सामने लखनऊ आकाशवाणी था, तो वो रिकॉर्डिंग जो थी वो बड़ी ही याद है अभी तक। वहां जाना और वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना वो एक अद्भुत अनुभव है। वो उस खुशी का एहसास हमें भी हो रहा है, क्योंकि जब आकाशवाणी पहली बार जाते हैं हम सब, तो वो जो खुशी होती है वो ता जिंदगी याद रहती है। बताइए हमें कि उन दिनों में जो कविताएं आप लिखती थी, वो कोई कविता याद है क्या, कोई लाइन कविता की पंक्ति? हाँ बिल्कुल याद है। पहली चीज तो कभी नहीं भूलता इंसान, क्योंकि कहानी का अगर जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, मैंने जो उस समय जो मैंने कहानियां ही लिखना शुरू करी, और जो सबसे पहली मेरी कहानी मैंने लिखी थी, उसे पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर फर्स्ट प्राइज यानी अमृतलाल नागर पुरस्कार था, प्रथम पुरस्कारों मिला था, और कहानियों में ही मेरी रुचि थी। फिर कविताएं भी मैंने लिखी, और बाद में धीरे धीरे कविताएं और गजल से ज्यादा दोस्ती होती चली गई। तो मेरी उस समय की एक कविता है, तो जो कविता मैंने पहली लिखी थी, सबसे पहली, 15-16 साल की रही होंगी, तो उसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं कि मैं बनूंगी गीत, तुम संगीत देना,
मैं बनूंगी गीत तुम संगीत देना जी। मैं उषा की लाली माँ हूँ तुम प्रभात, मैं उषा की लाली माँ हूँ तुम प्रभात, मैं रजनी की काली माँ हूँ तुम प्रकाश, और मैं बनूंगी चित्र रंग नवनीत देना, मैं बनूंगी गीत तुम संगीत देना, क्या बात मैं है? बनूंगी गीत तुम संगीत देना, क्या बात तो है? हाँ तो होगा ये कि हम जब ये स्वतः भाव गीत बनके ढलते थे और कविता बनती थी तो हमें ये एहसास नहीं होता था कि ये क्रिएटिविटी है, क्योंकि हम वही लिखते थे जो हम महसूस कर रहे होते थे, बहुत ही ये निजी भाव होते थे, तो हमें लगता था ये तो हमारे बहुत निजी भाव हैं तो कहीं इन्हें कोई देख ना ले। इसलिए तब की कविताएं मेरे ख्याल से, मैं ही नहीं हर लड़की या लड़का, वो छुपाते हैं तो मैं इन कविताओं को छुपाती थी, लेकिन इस कविता को एक बार मेरे फादर ने, मेरे पापा ने देख लिया और वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी कविता है, और फिर सबके सामने कहते थे कि रोजी कविता सुनाओ वाली, मेरा घर का नाम रोजी है, तो मैं वो कविता सुनाती गई और फिर मुझे पता लगा कि अरे ये तो बहुत प्रशंसा की बात है, लोग खुश हो रहे हैं, छुपाना नहीं है, तो फिर रचनात्मकता सामने आती गई, ऐसा हुआ। तो इस कविता के भाव को जो छुपाती रहती थी, कविता के भाव को राजेश जी ने कब देखा, कब परखा, कब जाना, कब हुई उनसे मुलाकात? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजेश जी मेरे फादर के फ्रेंड थे, मेरे पापा के दोस्त हुआ करते थे, हम लोग कानपुर में रहते थे और मेरे फादर यहाँ मुंबई सेंट्रल रेलवे में अफसर के पद पे आसीन थे। अच्छा। तो किसी प्रोग्राम में राजेश जी की और मेरे पापा की मुलाकात हुई और वो लोग अच्छे मित्र बन गए। फिर राजेश जी को किसी कारणवश लखनऊ जाना था और वो मेरे घर भी आने के लिए उत्साहित हो गए, उन्होंने कहा मैं आपके घर में भी जाके आपके परिवार से मिलूंगा, तो मेरे पापा ने हमें चिट्ठी लिखी कि मेरे एक मित्र आएंगे और उनका अच्छे से स्वागत करना, वो यहाँ पर लेखक है। और तो फिर वो हमारे घर आए, और जब हमारे घर आए तो चूंकि मेरे घर में मैं लेखिका थी और राजेश जी लेखक थे, तो हम लोग बहुत सारी बातें इसी पे करते रहे लिखने पढ़ने की। और उसके बाद जब उसी की ट्रिप से राजेश जी आ रहे थे मुंबई और मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू होना था ट्रेनी जर्नलिस्ट के लिए, तो मेरा भी कॉल लेटर वहां पहुंच गया था। अब पापा ने कहा तुम भी तुरंत मुंबई आ जाओ। अच्छा। तो मुझे मालूम नहीं था कि राजेश जी भी उसी ट्रेन से आ रहे हैं, तो मैं उस ट्रेन में बैठी हूँ और अचानक मुझे झांसी के प्लेटफॉर्म पे राजेश जी दिखते हैं और मैं उन्हें पहचान गई क्योंकि वो मेरे घर आ चुके थे। तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ कैसे, कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा जहाँ ट्रेन जा रही है जहाँ आप जा रहे हैं। तो कहते हैं अरे मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी मुंबई जा रही हूँ, मेरा वहां पे इंटरव्यू है। तो यूं करके फिर हमारी वहां से, हमने साथ साथ मुंबई का सफर किया ट्रेन में, उनका अलग कंपार्टमेंट था मेरा अलग, लेकिन रास्ते भर वो पूछते रहे आप चाय पियेंगी, आपको मैगजीन तो नहीं चाहिए, तो ऐसे करके एक दोस्ती और एक फिर पापा हमें यहाँ लेने के लिए खड़े थे। तो राजेश जी से वो मुलाकात जो एक मेरे घर में हुई थी वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दोस्ती में, एक दूसरे को ज्यादा जानने में परिवर्तित हो गई। और फिर यहाँ पर आके राजेश जी से हम जाने, लेकिन जो लेखन की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ मुंबई में जो सेंट्रल रेलवे था, मध्य रेलवे, उसमें एक पत्रिका निकला करती थी हिंदी की, रेल सुरभि, और बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका हुआ करती थी उस जमाने में, बड़े बड़े सारे साहित्यकार उसमें लिखते थे, तो उसमें मेरी कहानी और राजेश जी की कविताएं भी छपा करती थी। अच्छा। दोनों के घर रेल सुरभि पहुंचती थी तो मैं उनकी कविताएं पढ़ लेती थी और वो मेरी कहानियां पढ़ लेते थे। वाह वाह क्या बात। और एक जगह तो मेरी कहानी खत्म हो रही है और नीचे बच्चे में उनकी कविता है, मैंने वो बचा के अभी तक रखा है, तो वो राजेश जी पढ़ते थे कहानी और उन्होंने कहा कि अर्चना तुम तो पोएटिक प्रोज लिखती हो, तुम्हारा प्रोज जो है बहुत कवित्वमय है। तो इस तरीके से एक दूसरे के लेखन को हमने पहले ज्यादा पहचाना, क्योंकि रहते तो दूर थे, इतना मिलना नहीं हो पाता था, लेकिन एक दूसरे को पढ़ बहुत आसानी से लेते थे, तो शब्दों ने हमें जोड़ने का बहुत सशक्त काम किया है। गीत भी जोड़ने का माध्यम होते जी, हैं जी, बिल्कुल। और यहाँ पर एक सशक्त माध्यम है गीत श्रोताओं से जोड़ने के लिए, तो बताइए कोई गीत सुनवाया जाए राजेश जी को याद करते हुए, आपकी पसंद का कोई गाना। राजेश जी की अगर पसंद का आप कहेंगे तो दोस्ती फिल्म के उन्हें गाने बहुत ज्यादा पसंद थे, दोस्ती के गाने उन्हें इतने पसंद थे, तो आप उसका कोई गाना हम लोग सुनते। कौन सा बताइए? आवाज मैं ना दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे, चाहूंगा मैं तुझे, बहुत पसंद। सवेरे। जी 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 ठीक है, मोहम्मद रफी की आवाज, सुनते हैं दोस्ती फिल्म का ये गाना। चाहूंगा मैं तुझे साथ
सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा मिटवा तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे दोस्ती फिल्म का ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और आपने लेखन का जिक्र किया कि आपकी कहानियां छपती थी और उनकी कविताएं छपती थी तो जो कहानियों और कविताओं का मेल हुआ तो कौन सी कविता उन्होंने आपको पढ़कर सुनाई और कौन सी कहानी का टुकड़ा आपने सुनाया जो दोनों के दिल मिले वो जो प्रणय प्रसंग है उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। आप कहाँ पीछे लिए जा रही हैं मुझे यात्रा में। फिर वो जब हम यहाँ मुंबई आए तो 6-7 दिन जब मैं रही और यहाँ पर हम लोग आपस में रोज ही कभी स्टूडियो कभी इधर घूमते मिलते थे तो एक दूसरे को थोड़ा जानने का मौका हमें मिल गया। फिर 6 दिन बाद मैं तो चली गई कानपुर तो उसके बाद करीब 1.5-2 साल तक हमारे खतों की ताबत चलती रही जिसमें पूरा पारिवारिक प्रसंग होते थे मम्मी पापा सब। लेकिन 1.5-2 साल बाद राजेश जी ने एक खत में मुझे कविता के जरिए इजहार किया और उन्हें मतलब ये कहा कि अगर तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है और अगर पापा मेरे हाँ बोल देंगे तो मुझे तो कोई ये नहीं है। तो फिर पता नहीं मेरे पापा को पता नहीं कैसे मालूम हो गया और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं यहाँ पर बताना जरूर चाहूंगी कि जब हमारी शादी हुई तो राजेश जी उस समय गेस्ट हाउस में रहते थे सेंटा क्रूज में और बहुत काम कर रहे थे अनूप जलोटा और उनको संगीत के दोनों भजन सम्राट और भजन किंग के अवार्ड तक मिल चुके थे और काफी लेकिन रह रहे थे उनका घर नहीं था। तो वो आज तक पापा ने ये नहीं पूछा उनसे कि अर्चना से शादी करने के बाद कहाँ रखेंगे और कहाँ रहेंगे। इतना विश्वास था उन्हें कि कहने लगे दोनों एक दूसरे के लिए मेट फॉर ईच अदर है। तो उन्होंने कभी नहीं पूछा और इस बात को राजेश जी बात तक कहते थे कि मतलब आर्या साहब मेरे मैं आर्य थी अर्चना आर्य। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास किया है वो काबिले तारीफ है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अनूप जलोटा साहब का आपने जिक्र किया। अनूप जलोटा ने बहुत सारे भजन गाए हैं राजेश जी के लिखे हुए जैसे
तेरे तन में राम मन में राम वो फूल आप तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझको जो राम नाम नहीं गाते राम रमैया गाए जा बहुत बहुत एल्बम है भजन तीर्थ भजन साधना भजन बहुत सारे हैं जो उन्होंने गाए भजन गंगा जिसमें अनूप जी और राजेश जी के गाने हैं और अनूप जी ने खुद कहा है मेरे एक प्रोग्राम में कि अगर मैंने संतों के बाद किसी के भजन सबसे ज्यादा गाए हैं तो वो राजेश जौहरी है नहीं तो उन्होंने मीरा और सबके भजन गाते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके भजन उन्होंने सबसे ज्यादा गाए गए हैं और उन भजनों को देश विदेश में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है ये भी उन्होंने बताया। तो कुछ याद है कुछ एल्बम्स के नाम याद है और अगर आपको कुछ भजन याद है तो आप सुना सकती हैं? मैं सुना सकती हूँ। गाकर सुनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है वरना कुछ पंक्तियाँ। एक उनका भजन है जो अब प्रार्थना है और मेरे ख्याल से भारतवर्ष के हर स्कूल में बच्चा पहचानता है इस प्रार्थना को। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो ये उनकी इतनी प्रचलित है कि लोगों को लगता है ये पारंपरिक है। तो ये अनूप जी का ही संगीत था, उन्होंने ही गाई थी और ये भजन गंगा एल्बम से थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे तेरे तन में राम मन में राम रूम रूम में राम रे राम सुमेर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे और वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझको मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं भटक रहा हूँ डगर डगर। और एक है कि जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे खूबसूरत भजन हैं जो मेरे ख्याल से लोगों के दिल में बसे होंगे। तो इस समय राजेश जी को याद करते हुए अनूप जलोटा का गाया ये भजन, सुन लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरे तन में राम। बिल्कुल। सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 तेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम सुमिर ले लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम धूल उड़ाए अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए माया में तूल झा उलझा दर दर धूल उड़ाए अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए शाम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा
के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। भजन की चल रही थी। अनूप जलोटा भजन सम्राट कहे जाते हैं। राजेश जौहरी ने हर तरह हर रंग की रचनाएं दी हैं अपने श्रोताओं को, पाठकों को। तो अनूप जलोटा से कैसे उनके तार जुड़े, फिर अनूप जलोटा से कैसे उनके रिश्ते बने, क्या घर आना जाना था, फिर किस तरह की उनके साथ सिटिंग, कैसे बातचीत होती थी, कुछ आपको याद है? उनका अनूप जी ही बताते हैं मुझे, क्योंकि उनका अनूप जी का संबंध मुझसे उनसे मिलने के बहुत पहले से। जब मैं उनकी जिंदगी में आई, अनूप जी गहरे बैठ चुके थे, लोगों की जोड़ी बन चुकी थी। और शिरडी अगर जाते थे तो इन्हीं लोगों के गाने, राजेश जी की उद्घोषणा और इनके गीत, क्योंकि उस समय साईं बाबा का बहुत वो था, तो वो उनके गीत बजते रहते थे। पर अनूप जी बताते हैं कि उनकी और राजेश जी की मुलाकात, अनूप जी के भाई हैं, उन्होंने कराई थी कि भाई एक राजेश जौहरी है, बहुत अच्छा लिखता है। तो अनूप जी ने कहा इतना अच्छा लिखता है तो मिलवाओ, भजन तो लिखने वाला कोई है ही नहीं। फिर उन्होंने राजेश जी को मिलवाया और अनूप जी को, और फिर इन लोगों की ऐसी जोड़ी बनी कि दुनिया देखती रह गई। तो ये मुझे अनूप जी ने ही बताया। और अब तो अनूप जी हमारे परिवार के एक मित्र की तरह हैं, जब से राजेश जी नहीं भी रहे। तो मतलब उन्होंने कहा अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं जीवन उत्सव, जिसमें राजेश जी के जन्मदिन के आसपास किसी भी एक जो भी व्यक्ति है जो डिजर्व करता है उसको हम पुरस्कृत करते हैं, उनको एक सम्मान देते हैं, राजेश जौहरी मेमोरियल अवार्ड। तो हुआ यूं कि जब राजेश जी नहीं थे तो हमने उनकी बर्थडे के आसपास एक कार्यक्रम किया और हम सब बहुत उदास थे, और उसमें अनूप जलोटा जी सबसे पहले आ गए, मतलब हमसे भी पहले पहुंच गए होस्ट बनके। और वहां पर वो पूरा स्टेज सजवा रहे हैं और खुश थे और सबको निर्देश दे रहे हैं ये करो ये करो। उन्होंने हमसे कहा कि राजेश ने ऐसा काम किया है कि जिसके जीवन को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो जीवन में बहुत कुछ करके गए हैं तो रोने का दिन नहीं होता है। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने पहले ही प्रोग्राम से हमें फिर ये प्रेरणा दे दी कि ये दिन सेलिब्रेट करने का है, शोक मनाने का नहीं। तो फिर हम हर साल अब जून में 19 जून को उनका बर्थडे होता है, उसके आसपास किसी भी एक छुट्टी के दिन हम ये जीवन उत्सव का बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम करते हैं, और इसकी प्रेरणा अनूप जलोटा जी ही हैं, और वो वहाँ पर उपस्थित रहते ही हैं। जी बिल्कुल जी। तो आपने कहा जन्मदिन पर उनके प्रोग्राम्स होते हैं जून में, जून में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, मुशायरे उनकी याद को होते हैं, कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं। तो आपकी कोई याद जुड़ी है किसी मुशायरे से, कोई खास अनुभव? उसमें आपको अमूमन बुलाया ही जाता है, कभी संचालन के लिए तो कभी आपको खुद अपनी प्रस्तुति के लिए। तो कोई खास अनुभव, कोई यादगार घटना है जो आप साझा करना चाहती हैं? मुशायरों की मतलब ऐसा था कि राजेश जी ज्यादा मुशायरों में नहीं जाते थे, गए थे कम में, क्योंकि वो मीडिया में ज्यादा थे, तो उन्होंने ज्यादा कवि सम्मेलन और मुशायरों में वो शिरकत नहीं कर पाते थे। उनकी याद में जो मुशायरे किए जाते हैं, अच्छा। उनकी याद में जो कवि सम्मेलन होते हैं, अभी जैसे हाल में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपको आमंत्रित किया गया, ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं। तो उस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो राजेश जी की याद में किए जाते हैं जी, और जहाँ मुझे बुलाया जाता है। और इस बहाने में उन बहुत सारे अच्छे अच्छे लम्हों को याद करती हूँ जो राजेश जी के, जो रचनात्मक भी थे और भावनात्मक भी थे, क्योंकि भावनात्मक रिश्ता मंचों से भी था, राजेश जी का भावनात्मक ही रिश्ता था। वो एक बहुत यहाँ के संगीतकारों का प्रोग्राम था जो सुर सिंगार संसद, वो शुरू से ही उसका घोषणा करते थे, जिसमें से बड़े बड़े सब गायक निकल के आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जो सुर सिंगार संसद के मंच से ही आए हैं, उसकी उद्घोषणा राजेश जी करते थे। तो एक अच्छे उद्घोषक के रूप में उनका भी नाम बहुत बड़ा नाम था, और लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से और प्यार से याद करते हैं। तो अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ ऐसे प्रोग्राम में और उन यादों को साझा करती हूँ, और अच्छा लगता है। तो अभी कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? आप अपनी पसंद का गाना सुनवाएंगे या राजेश जी की पसंद का? अगर आप मेरी पसंद का गाना सुनना चाहेंगे तो मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, बहुत जब से वो फिल्म आई थी, पंचम दा का म्यूजिक है और फिल्म का नाम था महबूबा, और वो गाना मुझे आज भी रोंगटे खड़े करता है, मेरे नैना सावन भादो। फिर भी मेरा मन प्यासा, हाँ, बहुत सुंदर। तो ठीक है जी। यही गाना हम सुनते हैं। आहा,
गाने से पहले आपने पंचमदा का नाम लिया और महबूबा फिल्म का ये गाना श्रोताओं ने सुना, तो यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है कि एक एल्बम था राहुल देव बर्मन के लिए, उन्होंने लिखा था राजेश जी ने, तुम करो वादा, याद है आपने? बिल्कुल मालूम है। तो इस एल्बम से जुड़ी हुई कोई खास बात है जो आप शेयर करना चाहती है श्रोताओं से, कि कैसे राहुल देव बर्मन से उनकी मुलाकात हुई, क्या आपको भी मिलने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे संबंध बन गए थे पंचमदा से। राजेश जी जब एक फिल्म कर रहे थे तो एक फिल्म थी देवानंद की मास्टर, जिसमें विजू शाह का म्यूजिक था, लेकिन पहले शायद पंचमदा ही उसे करने वाले थे। तो इस सिलसिले में उनकी मुलाकात पंचमदा से हुई और विजू शाह के लिए भी गाने उन्होंने ही लिखे थे मास्टर में। तो पंचमदा से जब उनकी मुलाकात हुई तो पंचमदा और राजेश जी वैसे भी फिर शामों को मिलने लगे, क्योंकि राजेश जी को ना बंगाली बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छी बांग्ला वो बोल लेते थे। अच्छा। तो बंगाली लोगों से उनकी जम जाती थी। और दूसरी बात जो राजेश जी की थी कि वो धुन पे ऑन द स्पॉट बहुत अच्छा लिखते थे। आप अभी एक धुन यूं ही बना रहे होंगे, राजेश जी उस पे दो मिनट में शब्द बिठा देंगे। तो इन सब ने पंचमदा और राजेश जी को बहुत निकट कर दिया और रोज शाम को बैठते थे सेंटा क्रूज में, जो पंचमदा का घर था, वहां रोज इनकी सिटिंग होती थी। तो गाने बने, तुम करो वादा भी एक फिल्म थी और उसके बड़े अच्छे गाने बने थे। और उसके बाद कई सारे एल्बम और भी बने उषा उत्थुप जी के साथ, और कई सारे एल्बम बने। उसके बाद रोज दोस्ती इनकी थी, जा रहे हैं, बैठ रहे, खा रहे। तो पंचमदा को एक दिन लगा के मुझे वो छेड़े, तो राजेश जी निकले, मोबाइल का तो जमाना नहीं, मैं 92-90 की बात बता रही हूँ। तो राजेश जी घर से निकले, हम बरसोवा में रहते थे यारी रोड में, पंचमदा के यहाँ जाने के लिए, और वो पंचमदा के यहाँ चले गए। अब पंचमदा ने कहा कि बोधी, बोधी कहते थे मुझे, अच्छा। कहने लगे बोधी को चलो छेड़ते हैं। अब उन्होंने मुझे फोन किया और मेरे घर में लैंडलाइन था, तो कहने लगे बोधी राजेश क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा नहीं आए, वो तो यहाँ से इतने बजे के निकले हुए, मतलब तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके थे। तो मैंने कहा कि वो तो, अब मैंने कहा ये गए क्यों नहीं? तो कहने लगे नहीं वो तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कहाँ रह गया, और ये है वो है। फिर उन्हें लगा कि कहीं मैं एकदम से डर ना जाऊं, तो वो बहुत जोर से हंसे और कहते अरे आ गया ये, जो बहुत छेड़ में वो कहते थे लो बात करो। तो फिर बहुत जोर से राजेश जी भी हंसे और कहने लगे कि ये जान जी ये ऐसी सता रहे थे दादा, मैं तभी का आ गया हूँ। और इतना अच्छा संबंध था ममता कि जब पंचमदा की मृत्यु हुई है तो रात के 3 बजे उनके सेक्रेटरी थे भरत भाई आशार, तो भरत भाई ने राजेश जी को, उनके रमेश ने जो उनका नौकर था पंचमदा का, दो लोगों को फोन किया, एक भरत भाई को और एक राजेश जी को। क्या बात है। और कहा कि पंचमदा नहीं रहे, आप सबको खबर कर दीजिए। तो राजेश जी तुरंत, क्योंकि उनके घर पंचमदा उन दिनों अकेले रहते थे, तो भरत भाई कह रहे हैं राजेश जी मुझको बोल के गए कि तुम इनको 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 फोन कर देना और देव साहब को फोन कर देना, क्योंकि उनका उस समय बहुत चल रहा था सिटिंग वगैरह। तो मैंने देव साहब को फोन किया है, और वो जमाना लैंडलाइन का ममता, यू वोंट बिलीव, देव साहब ने खुद फोन उठाया 4 बजे, हेलो। और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया और राजेश जी ने आपको फोन करने के लिए बोला है। तो बोले ओह सो सैड। और उसके बाद फिर वो वहां पर गए, और राजेश जी, उनके वीडियो में भी है कि पंचमदा के अंतिम समय तक उनके सिरहाने का दिया उन्होंने जलाया और पूरे उसमें उनके सिरहाने दिए को संभाले बैठे रहे थे वो, उसमें भी इतने करीब थे पंचमदा के। तो उनके जाने का वो कहते भी हैं, राजेश जी कहते थे अगर पंचमदा भी ना जाते तो शायद कुछ और अच्छे गाने पंचमदा के और उनके मिलके बनते। अर्चना जी, अभी हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत के बीच में हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए? बेदर्दी बालमा, आरजू फिल्म का, आरजू फिल्म का सुनते हैं।
बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो मुझे वो सावन याद करता है, बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है। अर्चना जी, बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, और गाने से पहले हम देव साहब को याद कर रहे थे, राहुल देव बर्मन को याद किया। राजेश जी ने बड़ी गहराई वाली चीजें लिखी, रचनाएं दी हैं, बड़ी गहरी बात लिखी है। कहीं पर उन्होंने रुलाया है अपनी कविताओं और गीतों के जरिए, तो कहीं पर हंसाया है, कहीं गुदगुदाया है, और डिस्को गाने भी लिखे हैं उन्होंने, डिस्को दीवाने उन्हीं का लिखा हुआ है। सुनीता राव का गाया एक गीत याद आ रहा है, परी हूं मैं, परी हूं मैं, इसके बारे में बताइए आप। मैं तुम्हें बताऊं अगर कि अगर इसको कहते हैं इंडी पॉप, इंडी पॉप की शुरुआत करने वाले राजेश जौहरी थे, और एक राजेश जौहरी जो भजन लिख रहे हैं तो एकदम डूब के भजन लिख रहे हैं, या कोई गीत लिख रहे हैं रोमांटिक तो डूब के लिख रहे हैं, वो इंडी पॉप लिखेंगे, उसमें कुछ कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और जिन्होंने परी हूं मैं का जो मैग्ना साउंड के थे, उनका नाम नहीं लूंगी, वो कहते हम सोच भी नहीं सकते थे राजेश जी इतना अच्छा गाना लिखेंगे कि ये इतना सदियों तक रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, जब ये गाना लिखा गया तो लेज़ली लुईस जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सुनीता राव, तो उन लोगों को लगा कि सेटिंग में कि भाई ये तो बहुत उर्दू के आपने लफ्ज भर दिए, आंखों में गुरूर है, आंखों का कसूर है, ये सुरूर है, तो ये तो गाना नहीं चलेगा। तो राजेश जी ने कहा कि गाना तो यही रहेगा और शब्द भी यही रहेंगे, बदलूंगा तो नहीं, गाना रिकॉर्ड हो और या ना हो। मैं इसकी साक्षी हूँ ममता कि वो गाना फिर राजेश जी ने छोड़ दिया। अच्छा। वो छोड़ दिया करते थे कि मैं बदलूंगा नहीं, इतना खूबसूरत गाना है, मैं इसको नहीं बदलूंगा। और बहुत दिनों बाद फिर सुनीता उनको मनाती हुई मेरे घर आई, सुबह सुबह 7 बजे, हम भरसोवा में ही रह रहे थे, और वहां पे कहने लगी राजेश जी ये जैसा है मैं वैसे ही गाऊंगी,
क्योंकि मैं गाना चाहती हूँ। और उसने वो गाना गाया और वो गाना फिर इतिहास बना गया। खूब हिट हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि विविध भारती से एक प्रोग्राम हुआ करता था पॉप हंगामा, उसमें सुनीता राव का गाया ये गाना खूब बजा है, खूब बजा है। और एक हम जिक्र करना चाहेंगे मिताली जी की गाए हुए रचना की, मुझे माफ कर मेरे हम सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी। सच कहूँ तो ये मेरे भी पसंदीदा गीतों में से शुमार है। तो इसके बारे में बताइए, इसकी रचना प्रक्रिया की अगर साक्षी आप रही हैं तो बताइए। ये गाना मेरे पहले रिकॉर्ड हो चुका था। इस गाने को राजेश जी बताते हैं कि इतने लोगों को पसंद आता था ये गाना, इसको पहले गोविंद प्रसाद जयपुर वाले ने जी जी इसको संगीतबद्ध किया था, वो भी गाते थे इसको। लेकिन जब मिताली राजेश जी की जिंदगी में मतलब भूपी जी के साथ आई और मुलाकात हुई, इनका एक एल्बम था मोहब्बत, तो मिताली ने ये गाना सुना हुआ था। मिताली ने कहा मुझे ये गाना तो गाना है और मुझे गाना आप दे दीजिए। तो राजेश जी ने कहा कि ठीक है, तो फिर भूपी जी ने उसकी धुन बना ली मुझे माफ कर। तो फिर शायद किसी कंपनी ने, मैं नाम कंपनी का भूल रही हूँ, उस एल्बम में ही रखा है इसे। और उसके बाद आपको नहीं मालूम कि अभी परसों ही मुझे जब तब लोग इस गानों के लिए परमिशन मांगते रहते हैं, और किसी ने अभी कहा है कि वो भी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उनकी वाइफ गाना चाहती है कि इस गजल को, मैं इस गाने को गाना चाहती हूँ, तो इसके आप मुझे, मैंने कहा देखिए एक बार गीत जब बाहर निकल गया तो उस पर सबका हक होता है, कोई भी गा सकता है, तो आप परमिशन ना लें, आप इसको बहुत आराम से गाएं। तो उनको लिरिक्स मैंने कल भेजे हैं, तो ये ना जाने कितनों की पसंदीदा गीत है ये। चलिए हमने अपनी पसंद शामिल की है, तो अगर आपकी भी पसंद है तो सुन लेते हैं, सुनते हैं। अगर आप गुनगुनाना चाहें एक लाइन तो आप गुनगुनाइए। मुझे माफ कर मेरे हम सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर। तो चलिए अब मिताली की आवाज में ही सुनते हैं। सुनते हैं। मुझे माफ कर तुझे चाहना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर मेरे सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी, मुझे माफ कर मेरे हम सफर, तुझे चाहना मेरी भूल थी, किसी राह पर यूं ही एक नजर तुझे दे,
रचना से पहले हम जिक्र कर रहे थे भूपिंदा की, और आपने कहा कि भूपिंदर जी भी आए इसमें। भूपिंदर जी के साथ राजेश जी ने बहुत सारा बड़ा काम किया है, खास तौर से विविध भारती में उनकी लंबी रिकॉर्डिंग रही है, और एक बड़े अच्छे प्रोग्राम की श्रृंखला उन्होंने की थी संगीत सरिता कार्यक्रम में, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी। इससे जुड़ी हुई क्या बात है आपके पास, कौन सा खजाना आप श्रोताओं से साझा करेंगे? मैं यही कहूंगी कि देखिए, काम तो दुनिया देखती है। भूपी जी के जो भी एल्बम राजेश जी के साथ निकले, मिताली जी के साथ निकले, काम दुनिया में जाता है, लेकिन जो रिश्ता है दो कलाकारों के बीच में, वो सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं या उससे जुड़े लोग। भूपिंदा और राजेश जी का रिश्ता इतना, भूपिंदा उन्हें राजू कहते थे प्यार से। क्या बात है, राजेश कभी कहा ही नहीं उन्होंने, राजू क्या कर रहा है तू, राजू, और बहुत प्यार करते थे। और राजेश जी उनके घर जाके सीधे, उनके घर में हारमोनियम और तबला था, तो तबला लेके बैठ, राजेश जी तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे, तो राजेश जी तबला लेके बैठ जाते थे, और अगर भूपिंदा ने कोई भी धुन बजा दी हारमोनियम पे तो कहते थे बस 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 रुक जाइए, मुझे कुछ थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कुछ थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लिखना है। तो ये बात मुझे मिताली जी ने भी बताई कि ऐसे बैठे बैठे वो गाना लिख देते थे, जबकि वो प्रॉपर सिटिंग नहीं होती थी, मगर उनको धुन इंस्पायर करती थी, उन्हें म्यूजिक इंस्पायर करता था, तो वो ऐसे बैठे बैठे गाने बना देते थे और बहुत प्यार करते थे। बाद में अभी जब वो नहीं भी रहे तो भूपिंदा कहते थे कि राजू चला गया, मेरा एक हाथ चला गया, बहुत प्यार करते थे। अर्चना जी, राजेश जी जब लिखते थे गीत, गजलें कहते थे और कविताएं लिखी उन्होंने, तो जब लिखते थे तो उनमें आप अपने को कहां तक पाती थी, या उन्होंने आपके लिए क्या कुछ लिखा बताया गया? अरे, क्योंकि जब जब हम सफर आपस में मिलते हैं तो सब कुछ समर्पित होता है, अपने शरीके है आपके नाम, धीरे धीरे प्रोफेशनल होते जाते हैं लोग, तो बाद के दिनों में आपके लिए क्या कुछ लिखा? मैं आपको, वैसे तो देखिए प्रेरणा बनके एक दूसरे के लेखन में रहते ही हैं, शुरू से ही रहते हैं, लेकिन राजेश जी ने मेरे लिए भी लिखा है, और मेरे पास अभी तक कविताएं हैं जो उन्होंने मुझे समर्पित की हैं, और उनके लिखने का जो आप स्टाइल पूछ रही हैं कि वो कैसे लिखते थे, तो और आपके लिए जो लिखा है, जो मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए जो लिखा है वो सुनाइए श्रोताओं को। वो मैं सुनाऊं, एक खास घटना बताती हूँ। मैं मेरी सहेली मैगजीन में उप संपादक के पद पे मेरा चयन हुआ था, और वहां पर मैंने जाना शुरू किया था। तो हमारे यहाँ जब 14 सितंबर आता है ना हिंदी दिवस, तो शुरू से ही ये चलन था कि हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, और गिफ्ट में पेन, कॉपी, लिखने की चीजें, स्टेशनरी, और कुछ और भी देना है तो दे सकते हैं। तो 14 सितंबर का दिन था, और राजेश जी मुझे फोन करें ऑफिस में कि तुम कितने बजे घर आओगी, तो मैं आ गया हूँ। तो मैंने कहा भी थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ, मेरा ऑफिस माहिम में था। तो फिर मैंने कहा कि मैं आती हूँ, और मैगजीन का संपादन बहुत मुश्किल का काम था और बिल्कुल क्लोजिंग थी, और उस पर बुकलेट भी लिख रही थी मैं स्पेशल। तो मैंने सोचा ये दो दो बार फोन आज क्यों कर रहे हैं, और हुआ ये था कि तब 6 महीने हो चुके थे, और तो मैं परमानेंट भी हुई थी, काफी सारी उपलब्धियां उस दिन हो गई थी। तो मैं जब घर आई तो राजेश जी ने, बच्चों की तरह हम लोग करते थे खेल एक दूसरे से, तो उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने बेल बजाई और दरवाजे के पीछे छुप गए, और छोटी बच्ची थी मेरी बिट्टू, उसको भी छुपा लिया, और सामने एक डिब्बे में बंधा हुआ कुछ रखा था गिफ्ट जैसा नीचे ही। तो मैंने कहा ये सब छुप गए हैं तो ये चाहते हैं कि मैं इसको खोलूं। तो मैंने उसको खोला तो उसमें एक घड़ी रखी हुई थी, रिस्ट वॉच एज अ गिफ्ट, और उसके अंदर एक फोल्ड किया हुआ कागज रखा हुआ था। अच्छा, तो वो कागज मैंने खोला तो उसमें उन्होंने मेरे लिए कविता लिखी थी, क्योंकि मैं उप संपादक के पद पर परमानेंट हो गई थी। तो वो कविता मुझे अगर याद आती है तो मैं सुनाती हूँ, मेरे पास आज तक वो रखी हुई है उनकी हैंडराइटिंग में। तो उन्होंने लिखा था कि अक्षर अक्षर लिखना ऐसा मिलकर ग्रंथ बने, अक्षर अक्षर लिखना ऐसा मिलकर ग्रंथ बने, चारों तरफ दिशाएं जिसकी ऐसा पंथ बने, मौलिक लेखन गहरा चिंतन रचना का आधार, यदि बन जाए तो समझो पाया लेखन का सार, ख्याति मिले तुमको लेखन में चमके नाम हमेशा, याद रखो हर युग में बोला केवल काम हमेशा। क्या बात, याद रखो हर युग में बोला केवल काम हमेशा, आशीर्वाद तुम्हारा जीवन साथी राजेश जौहरी। तो ये कविता जो उन्होंने उपहार के रूप में मुझे 14 सितंबर 1990 में दी थी, तो मुझे लगता है कि किसी भी ग्रंथ से, महाकाव्य से बड़ी कविता है।
क्या बात, दिल के बहुत करीब, बहुत बढ़िया। उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स के लिए गाने लिखे, यहाँ तक कि चाहे वो अलीशा चिनार हो या फिर हमने बहुत सारा जिक्र किया अभी सुनीता राव का जिक्र। जैसे ही मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ही ये पहला गाना सुनीता राव का आया ना, इंडी पॉप की हवा चल पड़ी थी और हर कंपनी इंडी पॉप ऐसे गाने बनाने के लिए बहुत लालयित थी और सिंगर से कह रही थी, नए सिंगर से, कि राजेश जौहरी से लिखा लाओ तो हम तुम्हारा गाना ले लेंगे। बिकॉज उसके बाद अलीशा के बहुत सारे एल्बम्स, फिर जॉनी जोकर सुनीता राव का, वो भी इंडी पॉप का था, तो बहुत सारे ऐसे गाने उसकी बिल्कुल एक तरीके से हवा ही चल पड़ी थी उनकी, और बहुत गाने राजेश जी ने लिखे ऐसे। उन्होंने कई विधाओं में काम किया, विज्ञापनों में भी काम किया, बहुत सारे जिंगल्स लिखे, विज्ञापन लिखे और गीत लिखे ही, मंच संचालन किया। तो आप किस विधा को पसंद करती थी, आपको क्या लगता था कि किसी एक विधा में आगे बढ़े, एक साथ कई नाव पर चल रहे हैं, तो कभी आपने कुछ अपनी राय दी उनको? नहीं, यही तो एक बहुत ही कौतुक का विषय था, बहुत आश्चर्य का, कि वो कैसे इन सारी विधाओं में एक साथ उत्कृष्ट काम दे सकते थे। अक्सर होता ऐसा है कि जब एक इंसान बहुत तरीके के काम करता है तो कहीं कहीं न्याय नहीं कर पाता है, लेकिन राजेश जी भजन लिखते थे तो लोगों को रुला देते थे। वो लोग उन्हें कहते हैं कि वो रोमांस के शायर थे, ही वॉज अ पोएट ऑफ लव, तो उन्हें प्रेम गीत लिखते थे बहुत अच्छे, और उनका वो कलर था प्रेम, तो उसमें भी बहुत अच्छा लिखते थे। उसके बाद जब जिंगल्स की बात अगर करें हम एडवर्टाइजिंग की, तो उसमें भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जिंगल्स दिए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के, जो आज तक चले आ रहे हैं, गाए जाते थे और आज तक चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 10-15 साल बाद जिंगल्स बदल दिए जाते हैं, नए गीत रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, लेकिन राजेश जी के लिखे जिंगल्स का ये हो रहा है कि गीत तो वही है, उनको रीशूट किया जा रहा है। तो सोचिए जरा, वो कितने गहरे और कितने अच्छे होंगे, प्रभावशाली होंगे, कि जिनको लोग बदलने की सोच ही नहीं रहे हैं जी। अब थोड़ी बातचीत आपके बारे में भी श्रोताओं तक पहुंचा दे कि आप ही लेखिका हैं और कवित्री हैं और दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोग्राम आपने कंडक्ट किए, संचालित किए, तो बताइए कि कभी ऐसे आपस में टकराव की नौबत नहीं आई कि वो भी उसी फील्ड में हैं, आप भी उसी फील्ड में हैं और आपके लिए भी टाइम? मैं ममता बताऊं कि इसके बहुत अच्छे किससे शुरू में ऐसा लगा था कि दोनों लिख रहे हैं तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा और कैसे कैसे हम अपने को समेटेंगे, अपने लेखन के पर फैलाएंगे कि उन्हें सिकोड़ेंगे, क्या करेंगे एक ही घर में। तो तुम्हें एक बहुत प्यारा किस्सा बताती हूँ। एक फिल्म थी अपने बेगाने और वो बन रही थी और उसकी सिटिंग मेरे घर पे ही होती थी गीत की। उसके प्रोड्यूसर बैठे थे, उसके डायरेक्टर बैठे थे और राजेश जी, गाना बन रहा है और उसका गाना ऐसे था कि एके हंगल और श्रीराम लागू पे फिल्माया गया था और उसे मन्ना दा और महेंद्र कपूर ने गाया था। तो वो गाना ऐसे था कि एक कहानी शुरू होगी, बच्चों के अनाथ आश्रम में वो हो रहा है और गाना खत्म हो जाएगा एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट पे। तो ऐसी कहानी का, दूसरी कहानी का जब राजेश जी लिख रहे हैं, मैं भी वहीं बैठी हूँ सिटिंग में, तो उसमें उन्होंने लिखा कि नदी किनारे एक लंगड़ी बुढ़िया रहती थी और ऐसा था कि वो बुढ़िया लंगड़ी थी, वो उड़ना चाहती थी और वो उड़ नहीं पा रही थी, तो वो पूरा उन्होंने राइम में लिख दिया। अब वहां उन्हें लिखना था कि घोड़ा आ गया, तो वो कहने लगी अब क्या करूं, घोड़े का तो काफिया नहीं मिल रहा है, अब यहाँ घोड़ा कैसे आए। तो मेरे दिमाग में आ गया, पर मैं बैठी हूँ, कि मैं इनके लेखन में हस्तक्षेप करूं कि ना करूं, तो मैं भी बैठी हूँ। मैं थी, डायरेक्टर थे, मधु भाई थे, मैंने कहा मैं बताऊं, पूछा मैंने, तो बोले बताओ। तो मैंने कहा कि तभी विधि के इस विधान ने घटना को कुछ यूं मोड़ा, आसमान से धरा पे उतरा उड़ने वाला एक घोड़ा। क्या बात है। और बुढ़िया थी एक अच्छी औरत, उसको ये महसूस हुआ, मिल जाती हैं चीजें सारी, सच्चे मन से करो दुआ। अरे खुश हो गए बहुत ज्यादा। मैं सोच रही थी कि कहेंगे कि क्या, क्यों डायरेक्टर इतने खुश हुए। उसी दिन शाम को रिकॉर्डिंग थी, तो महेंद्र कपूर से और मन्ना दे से कह रहे, इसने लिखा है, ये लाइनें इसने लिखी है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और एक बार ऐसी ही एक और घटना है कि उनकी आदत थी कि वो कुछ लिखना शुरू करते थे और वॉशरूम में चले जाते थे। तो एक सीरियल आया करता था पुरस्कार, तो पुरस्कार में उनको टाइटल गीत लिखना था, तो उन्होंने पहली लाइन लिखी कि जिन बच्चों ने दुनिया में हिम्मत से काम लिया, वो बच्चे जो वीरता थे उनको मिलता था, जिन बच्चों ने दुनिया में हिम्मत से काम लिया, लिखा और वॉशरूम में चले गए। मैंने उनका पैर उठाया, मैं वहीं घूम रही हूँ, तो मैंने कहा कि अरे इसकी दूसरी लाइन तो यूं बनती है कि जिन बच्चों ने दुनिया में हिम्मत से काम लिया, नन्हे हाथों से गिरते लोगों को थाम लिया। क्या बात है। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने वो लाइन वहां लिख दी और उधर चली गई। तो राजेश जी आए, उठा के देखा, अरे अर्चना ने ये लाइन लिख दी, अरे वाह 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 क्या लाइन लिखी है। तो वो बहुत खुश हो जाते थे। तो धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के लेखन के दोस्त बनते गए और कोई ईगो हमारे बीच में नहीं आया।
मतलब एक दूसरे के पूरक रहे लेखक की दुनिया में। हाँ। बड़ी अच्छी बात रही। हाँ। और अब इन दिनों आप क्या कर रही हैं, आप श्रोताओं को बताना चाहती हैं, बताइए। हाँ, बहुत मैंने अभी दो फिल्में हैं मेरी ओटीटी पे, सुंदरकांड और वास्ता, जिसके मैंने संवाद और गीत भी लिखे हैं, और जिंगल्स काफी, मेरी गजलें भी इधर बहुत रिकॉर्ड हुई हैं। अनूप जी ने एक गीत गाया है मेरा, 2-3 गजलें गाई अनूप जी ने, और काफी सारे प्लेज और जिंगल्स वगैरह वही सारा काम मैं भी कर रही हूँ। और लोग कह रहे हैं मुझे रिकॉर्ड करनी है आपकी ये गजल, मैं कहती हूँ कर लो, कोई कहता मैं ये करूंगी, तो मेरी 3-4 किताबें निकली हैं, तो एक कभी लेटेस्ट है यादों की कतरन, तो उससे काफी सारी गजलें रिकॉर्ड हुई हैं, तो बस यही सब काम चल रहा है। यादों की कतरन से कोई 2 लाइनें हमारे श्रोताओं को सुनाइए। अच्छा, यादों की कतरन से एक बड़ा अच्छी मेरी गजल यादों की कतरन में है, वो दृष्टिकोण पे है, आपका दृष्टिकोण जैसा होता है वैसी आपकी जिंदगी होती है, नजरिए पे है, तो उसका मतलब यूं है कि मैंने अपना नजरिया ही बदला जरा, मैंने अपना नजरिया ही बदला जरा, फिर तो सारा नजारा यूं बदला के बस, ऐसा क्यों कर हुआ वैसा क्यों ना हुआ, सोचने का ही धारा यूं बदला के बस। और मैं ख्यालों में अपने ही रहती थी जब, मुझको लगती थी दुनिया बुरी ही बुरी, मैं ख्यालों में अपने ही रहती थी जब, मुझको लगती थी दुनिया बुरी ही बुरी, मैंने आंखों से चश्मा उतारा जरा, पानी मीठे में खारा यूं बदला के बस। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब चलते चलते कौन सा गाना आपकी पसंद का हो? लग जा गले, बड़ा खूबसूरत गीत है। वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज? क्योंकि मन तो ये कर रहा है कि ये जो लम्हे हैं हमने जिए हैं, बस इनको अपने गले लगा के घर चले जाऊं, तो इससे मैं वही गाना सबसे अच्छा है। बहुत दिलचस्प और अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे श्रोताओं से, और हमें भी बड़ा आनंद आया, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बड़ा आनंद आया होगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ममता आपसे बातें करके, और राजेश जी के बारे में और उस एरा में वापस जाने की अनुभूति भी अद्भुत है, बहुत शुक्रिया। उन सारे एहसासात से हम सब 2-4 हुए, हम भी गुजरे, और ये पता चला कि कैसे होती है एक शायर और गीतकार की जिंदगी, और एक लेखिका जब साथ में हो तो कैसे तार जुड़ते हैं आपस में, हमें भी जानकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विविध भारती के स्टूडियो में आई, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। जागने
जग जागले। ये थी कवित्री और लेखिका अर्चना जौहरी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।